सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च लोक सभा चोणां इकल्या लड़न जा रही है। पार्टी ने फैसला लोगों की राय, पार्टी वर्करां की राय, लीडर साहिबाना की राय जानने तों बाद पंजाब दे भविख जवानी व्यापारियों नौजवानों से पिछड़े वर्गों की बेहतरीन ध्यान रखते हैं। नोटिस के नाल ही अकाली दल भाजपा गठजोड़ संबंधी किरासेराइयां नूं भी विराम ला गया। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि जो कौम भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की रहनुमाई हेठ किए ने किसी होर पार्टी ने नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला कतल कांड च अहम भूमिका निभाने वाले गैंगस्टर दीपक टीनू नूं सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ बठिंडा दे सिविल हस्पताल च इलाज लई लिया गया। दस दईए कि पिछले दिन दीपक टीनू वालों जोड़ां दे दर्द की शिकायत दी गई थी, जिस तों बाद जिला प्रशासन वालों टीनू नूं बठिंडा दे केंद्रीय जेल तों सिविल हस्पताल इलाज लई लिया गया, जिथे डाक्टरां वालों गैंगस्टर दीपक टीनू का चैकअप करन उपरंत उस नूं मुड़ जेल भेज दिता गया। टकसाल दसूहा के पिंड मेवा मियाणी मियादियां विखे डीएसपी दसूहा जगदीश शाह छत्री और एसएचओ हरप्रेम सिंह वालों सूचना के आधार से समगलर सुचा सिंह पुत्र अवतार सिंह के घर रेड की गई। पता लगे कि समगलर सुचा सिंह ने पुलिस पार्टी से हमला किया। सिटी विज दरवाजे नजदीक पहुंचे एसआई सतनाम सिंह के सिर पर कही मारे तो उसने जख्मी किया। इस दौरान सिपाही गुरिंदर सिंह भी जख्मी हुए। इस मौके पुलिस वालों अपने बचाव की फायरिंग की गई। समगलर वालों किए गए हमले दौरान हुई फायरिंग दौरान सुचा सिंह समगलर की गोली लगने से मौत हो गई। भाजपा ने बंगाली उम्मीदवार की सूची जारी की। भाजपा ने बशीरहाट तो रेखा पात्रा उम्मीदवार बनाया, जो कि संदेश खाली की रहने वाली है। दोस्त थी जिसने सब तो पहला संदेश खाली दी औरतों की आवाज़ बुलंद की। भाजपा सूत्रों मुताबिक इस तो बाद प्रधानमंत्री ने खुद रेखा के नाम मंजूरी दी है। रेखा पात्रा की शिकायत से ही संदेश खाली के दोषियों को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के उस बयान से भाजपा ने सख्त प्रतिक्रिया दी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार जेल तो चलाएंगे। भाजपा के जनरल सकत्तर दुष्यंत कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक गैंग लीडर है, सिर्फ गैंग ही जेल चो चलते हैं। जिक्र योग है कि आप नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल तो ही सरकार चलाएंगे। भाजपा के जनरल सकत्तर दुष्यंत कुमार ने कहा कि मन भाग है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर ने अपनी जिद कारण उतों सरकार चलाना चाहते हैं, तो अज तक अजिहा नहीं होया, तो यह लोकतंत्र का अपमान है। राष्ट्रीय महिला कमिशन ने चोन कमिशन को पत्र लिखे हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट तो भाजपा की उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने लिए कांग्रेसी आगुआ सुप्रिया श्रीनेत ते एचएस अहीर विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट तो रनौत बारे कथित तौर पर इतराजयोग पोस्ट की गई, जिसन बाद डिलीट किया गया। किसान कांग्रेस सूबा ज्वाइंट कोआर्डीनेटर अहीर ने भी रनौत विरुद्ध कथित अपमानजनक टिप्पणियां की। वक् वक् अपराधिक मामलों में बांदा जेल च बंद साबका विधायक मुख्तार अंसारी की सेहत बिगड़न तो बाद उसे हस्पताल च भर्ती करवाया गया। अंसारी के भरा गाजीपुर के संसद मैंबर अफजल अंसारी ने दसिया कि उन्होंने मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन तो सुनेहा मिले कि मुख्तार बीमार है, उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। उसने इल्जाम लाया कि जिला प्रशासन, जेल प्रशासन और हस्पताल प्रशासन उस मुख्तार की सेहत बारे कुछ नहीं दस रहे, इतों तक कि अफजल ने कहा कि मुख्तार के वकील को भी उसे मिलन नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी के सुमरीमों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद सियासत आया भूचाल रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे सिख्या मंत्री हरजोत बैंस को आज फिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान हरजोत बैंस के साथ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के होर वर्करों और आगुओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी मुताबिक आप आगुओं वालों प्रधानमंत्री आवास का घिराव करने का ऐलान किया गया, जिस तों बाद दिल्ली के पटेल चौंक तो आप आगुओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत होने के बावजूद दिल्ली के हस्पतालों से मोहल्ला क्लीनिकों बारे चिंतित ने। भारद्वाज ने दसा कि केजरीवाल ने ईडी की हिरासत तो दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए सेहत संबंधी निर्देश दिए ने। दिल्ली के सेहत मंत्री अनुसार केजरीवाल ने हिरासत उन्होंने निर्देश दिया, जिस कहा गया कि वह इस गल को लेकर चिंतित ने कि कुछ हस्पतालों से मोहल्ला क्लीनिकों दवाइया नहीं है, कुछ थावों पर जांच भी नहीं हो पा रही। पटियाला एक औरत ने निजी फाइनेंसर तो परेशान होकर खुदकुशी कर ली। घर बुला के जलील करने तो बाद औरत ने भाखड़ा नैट छाल मार दी है। मृतक औरत की पछाण निशा राणी वासी बाबू सिंह कलोनी वजो हुई है। इस मामले में पुलिस ने निजी फाइनेंसर संजू वासी नंद नगर एक खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। निशा राणी के पति राजपाल सिंह ने दसी कि उसकी पत्नी ने 2 साल पहला संजू तो 70,000 रुपये का कर्जा लिया, इन चों 40,000 रुपये वापस कर दिए। फाइनेंसर बाकी पैसे ने उसकी पत्नी लगातार तंग परेशान कर रहा है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक अधीन पैंदे पिंड पखो के टाली साहब एक नौजवान का चाकू मार के कतल कर दिया गया। जानकारी अनुसार नौजवान राजू मसीह पुत्र वीर मसीह वासी डेरा बाबा नानक अपने भरा समेत कुछ समान लैण लई डेरा बाबा नानक आए। जदों रस्ते जा रहे सन तां गुरजीत सिंह नां दे व्यक्ति जो कि पिंड चंदू नंगल का रहने वाला दस्या जांदा ने लुट की नीयत नाल राजू मसीह ते तेज धार चाकू नाल हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद पार्टी ने सोशल मीडिया से डीपी मुहिम शुरू की है। इसमें मोदी का सब तो बड़ा डर केजरीवाल का नाम दिया गया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सारे मंत्री इस मुहिम शामिल होए ने। इस मुहिम तहत आम आदमी पार्टी के सारे आगू ते वर्कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के डीपी बदलेंगे। पार्टी ने लोगों को अपील करते कहे कि तानाशाही विरुद्ध इस लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद करने अपनी आईडी से फोटो डाउनलोड करके अपनी डीपी से लगाओ ते इस नाल ही उन्हां दी मुहिम का हिस्सा बनो। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।